बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 295 केंद्रों पर 20,195 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 7,517 लोग तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 20,195 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में एडिशनल सीएमओ नीरज कुमार पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम नगरीय क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक कर रही है तथा लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि जो लोग पहला डोज लगवाने के बाद समय पूरा हो गया हो वह अपना सेकेंड डोज सरकारी अस्पताल एवं जिला अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन करा लें। उन्होंने जनता से अपील की है कि ओमिक्रॉन जैसे बीमारी से लड़ने के लिए मास्क, सैनिटाइजर तथा 2 गज की दूरी का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडिशनल सीएमओ नीरज कुमार पांडे ने कहा, अगर कुछ गर्मी है तो कौन आएंगे? हाँ आंटी जी, बताइए दे लगवा रहे, बताइए आजकल 295 जगहों पर कोविड टीकाकरण कराया जा रहा है। इसमें हमारी टीमें घर घर घूमकर वैसे लोगों को चिन्हित कर रही हैं जिनको कि अभी तक पहला डोज नहीं लगा है। ऐसे लोगों को प्राथमिकता के तौर पर हमें वैक्सीनेट करना है ताकि कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। इसके साथ ही जिन लोगों ने पहला डोज लगवा लिया है और दूसरे डोज का समय हो गया है उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि जब तक दोनों डोज नहीं लगेगी तब तक वो कोरोना से के प्रति पूर्ण प्रतिरक्षित नहीं माने जाएंगे। सर ओमिक्रॉन देखते हुए जनता से क्या? वही पुराना प्रोटोकॉल है जो कि हम शुरू से करते आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, हाथों को बराबर धोना है और बिना काम के घर से बाहर नहीं निकलना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाना है और निसंदेह दोनों डोज कोविड टीकाकरण कराना है।